चाल है आप सबके। तो मैं हूँ आपका जीत मॉडिफाइड क्लब से। तो यार आज का टॉपिक बहुत बढ़िया लेके आया हूँ, जो कि आपने पहले भी बहुत ज़्यादा इसी गाड़ी को इतना ज़्यादा प्यार दिया था ना, मारुति 800 को, जो कि 18 इंचज़ में अपडेट थी। मैं ऐसी चीज़ आपको एक दिखाने लगा हूँ ना, जो कि मेरे हिसाब से पंजाब में क्या छोड़ो इंडिया में भी एक ही होगी। सही बात करूँ? सही कह रहा ना? हाँ जी हाँ जी। तो यार ऐसी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको, जो कि बहुत प्यारी है। गाड़ी आपने पहले भी देखी है, तो आज हम दोबारा फीचर करने वाले हैं। फीचर कुछ ऐसे कि आज हम जो आपको दिखाएंगे उस पर कुछ मोड्स हो चुके हैं, कुछ मोड और होने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद हम आपको ये गाड़ी पूरी दिखाने वाले हैं कि क्या क्या मोड आज हम आपको डिफरेंट बिटवीन बताएंगे, इसमें क्या क्या करवाने वाले हैं हम। तो करने के बाद आपको गाड़ी पूरी फीचर मिलेगी। तो आओ हम पहले शुरुआत करते हैं। आपको आज हम दिखाने लगे हैं आपको दोबारा से मारुति 800, जो कि एक यार मिनी मॉन्स्टर ट्रक कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि अब बन चुका है। क्योंकि ये पहले था 18 इंच अलॉय व्हील के साथ, बहुत प्यारे अलॉय व्हील से तब भी। तो उस वीडियो का आपको लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जाके आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो यार भाई से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, सबसे पहले तो जो हमने मिनी मॉन्स्टर ट्रक इसे बनाया है, हमने इसे चेंज क्यों करा? भाई जो मैंने 18 इंचज़ पहले डलवाए थे वो दो तीन लोगों ने पहले डलवा लिए थे मुझे देख के, तो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था, इसीलिए मैंने जो ब्लैरो का फुल साइज टायर है 295 वो फिट करवाया इसमें। तो गाइज ये भी चैलेंज हम आपको दे देंगे कि ऐसी गाड़ी ऑल ऑफ इंडिया में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। तो यार जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनके लिए भी हम बाहर से पूरा दिखाएंगे आपको क्या क्या इसके अंदर सिस्टम, जो अपडेट हो रखा है, क्या होने वाला है, सब बताएंगे, है ना। तो भाई सबसे पहले गगन भाई को बोलूंगा पास आएगा, मेरे टायर देख सकते हो आप यार, मेन चीज़ के जो टायर है ना यार, बॉडी से देख लो, मेरे एक हाथ जितने पूरे बार है, यानी कि बोलूं तो 6 से 7 इंच टायर बार है। हाँ जी। तो ये मॉन्स्टर ट्रक की टायर है भाई, जितना बार है उतना ही अंदर भी है। तो एक चीज़ है भाई यार, सबसे पहले आपको एक ही चीज़ बताऊंगा सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा ना इसमें, कि हाँ जो टायर का और रिम जो एक इतना बढ़िया लुक दे रहा है ना, और ऊपर से ये स्विफ्ट का रिम है, ऊपर नीचे स्पेसर डला हुआ है, वो डलवाने के बाद स्विफ्ट का रिम इसमें फिट हुआ है। तो ये चीज़ आपके सामने, क्योंकि इसमें 70 इंचज़ टायर थे ऊपर से यार पहले, अब इसमें डाला गया 15 इंचज़ टायर है। मैं टायर का साइज़ मैं तो पूरा बता देता हूँ, 295/50R15। तो गाइस जो उनसे साइज़ जाना है मेरे हिसाब से यार इनोवा चौड़े टायर में हम बोले यार, तो सफारी या ऐसे बलैरो, ये बहुत गाड़ी जो उनसे यार बड़ी बड़ी गाड़ी होती है छोटे छोटे टायर डलते हैं, ये उन गाड़ियों का टायर है, सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी हाँ जी। तो यार भाई ने मारुति के अंदर फिट करा, कैसी लगी होगी यार मॉडिफिकेशन बताना जरूर, और इसमें क्या क्या होने वाला है अब हम आपको वो भी बताएंगे। उससे पहले ना एक बार यार देख सकते हो गाड़ी की लुक यार ज़बरदस्त, और इस गाड़ी की चलते की वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत प्यारी लुक आ रही है। तो यार करण भाई एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पहले तो यार ऐसी चीज़ हम दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए चैनल को? सब्सक्राइब करना चाहिए भाई, जल्दी है जल्दी सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि ऐसी चीज़ ना कहीं नहीं देखने को मिलेगी, मॉडिफाइड क्लब में देखने को मिलेगी। तो अब इसमें क्या क्या काम हमारे होने वाले हैं? अभी इसमें थार वाला बम्पर है जो वो, गाइस एक चीज़ आ जाओ सबसे पहले हम आपको फ्रंट साइड पर चल के आपको ये भी दिखाते हैं क्या क्या इसमें करने वाले हैं। तो इसका टोटल मॉडिफिकेशन होने के बाद आपको वीडियोज़ की मिलने वाली है। इसका जो बम्पर है अभी प्लास्टिक का है, ठीक है, इसमें लोहे का बम्पर, हाँ जी, थार वाला जिसके आगे पाइप लगा होता है जिसको हम कहते हैं वार्निंग स्टिक्स कहते हैं उसमें, हाँ जी। तो वो चीज़ आपको इसमें लगने हुई मिलने वाली है। करण भाई कितने दिन में यार ये अपडेट मिलने वाला है हमें? वन वीक में हाँ जी। तो ये 1 वीक में अपडेट ये भी मिलने वाला है हमें, और उसके बाद हम और गाड़ी में क्या कराने वाले हैं? अभी पूरा कलर कराऊंगा मैं गाड़ी को, ठीक है, तो इसकी लाइट मोड होगी सारी। तो ये लाइट गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, ये लाइट ना आप देख सकते हो प्रोजेक्टर लिंक लगे हुए हैं, तो भाई ने अपडेट इसलिए करानी है क्योंकि इसके अंदर डस्ट जा चुकी है, क्योंकि आफ्टर मार्केट जब हम लाइट खुलवाते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत ही कंप्लेंट आती ही आती है है ना। हाँ जी। तो ये कितना टाइम हो चुका था हमें ये भी काम कराए को? साल से ऊपर हो चुका है मतलब ना सही बात बोलूं पैसे वसूल हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। तो अब इसको अपडेट भाई करेगा, वो भी हम आपको आने वाले हफ्तों में दिखाएंगे, जो भी भाई जिस दिन हमें नोटिस देगा कि भाई पूरी गाड़ी तैयार होगी शूट करो, तो आप लोगों के लिए आगे ये लेके आएंगे हम। उसके बाद भाई और क्या होने वाला गाड़ी में? अभी जो अंदर का इसका इंटीरियर है वो भी सारा चेंज होगा, इसके सीट कवर्स डैशबोर्ड सभी चेंज होगा इसका। तो गाइस इसका सब कुछ चेंज होने वाला है। इस गाड़ी की एक बार आपने अंदर म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ भी सुनी होगी, सब कुछ सुनना होगा ना। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, एंड में वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ वो वीडियो को देखना, क्योंकि उस गाड़ी की उसमें उन टायर के साथ भी इस गाड़ी की लुक कुछ अलग ही थी। हाँ जी।
अब बात आपको मेन से बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर जब हम ऊपर चढ़ने लगेंगे ना, मतलब कहने का मतलब अंदर बैठने के लिए हमें कितना इंच गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ा? दोनों साइड से 9 इंच लिफ्ट किया गाइस, 9 इंचेस गाड़ी को लिफ्ट करा इस टायर को डालने के लिए। और ये आइडिया कहाँ से लिया है जी बेटा? बस खुद का ही आइडिया था, खुद का। हाँ जी, तो गाइस यार यूनिक काम था। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरी वीडियो में, मतलब कहने का मतलब एक चीज अलग से। करण भाई एक बार आप बैठ के दिखाओगे गाड़ी में, अंदर देख सकते हो आप। तो भाई अंदर बैठने लगा है, वो देखो कितना ऊपर। एक बार लात नीचे करना वापस, देख सकते हो मतलब गोड्डा जो है जिसे हम कहते हैं उससे ऊपर ऊपर तक है। देखो अभी पैर नहीं नीचे लग रहा, मतलब बहुत ऊंची, मैं कहने का फील आ रहा है कि हम ऊंची गाड़ी में किसी में बैठे हैं। हाँ जी, है ना। तो गाइस ये थी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन, बाकी गाड़ी के ऊपर काम बहुत सारा होने वाला है। बाकी चलाते हुए गाड़ी का आपको फील बताते हैं कैसा है। एक चीज मैं करण भाई से पूछ रहा हूँ, करण भाई गाड़ी की कटाई में कोई दिक्कत आई अभी तक? अभी तक तो आ रही है, उसकी अभी सेटिंग करवानी है। जब इसका बंपर मोड होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग होगी। मतलब कहने का मतलब बाकी इंजन में कोई, मतलब गाड़ी नहीं, में नहीं, कोई लोड डला या कुछ? नहीं नहीं भाई, मजेदार चल रही है, जबरदस्त। हाँ जी, तो गाइस मैं तो आपको चला के व्यू दूंगा, जब गाड़ी पूरी तैयार हो जाएगी तब लोगों के रिएक्शन कैच करेंगे। बाकी भाई से एक चीज पूछूंगा, भाई ने कितने दिन हो चुके हैं हमें ये सीट को डलवाए? 3-4 दिन हो गए। तो लोगों के रिएक्शन आपको कैसे? रिएक्शन तो बहुत बहुत लोग पूछ रहे हैं कैसे डले, मतलब क्या चीज है ना, कि इसका जो PCD होता है अलग होता है गाइज, उसके लिए ना स्पेशल एक स्पेसर बना के टायर फिट हुए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी। बाकी वेट करना कि नई वीडियो भाई की, मतलब कहने का मतलब मोटिवेशन होने के बाद आपको वीडियो हम दिखाएंगे कैसी गाड़ी लग रही है, उस टाइम भी आप लोगों ने बताना है। तो उस चीज़ को देखने के लिए भी ना चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो यार वो भी करो। तो मिलते हैं हम ऐसी और मजेदार वीडियो के साथ। करण भाई सही बात है? हाँ जी। तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।